तो जी हमने एक फ्री का सामान ढोने वाला किया हुआ है घर से। ये देखिए, ये देखिए स्पीड, ये दिखाना चाह रही है कितनी पावर है इसमें। देखो बैग उठा के बाय ब्रशिंग। मामा 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 ऐसे कर रहा था। ठीक है बाय बाय बाय। तो जी हम लोग अभी रास्ते में हुंडई के शोरूम में, जहाँ पर अभी थोड़ा सा गाड़ी का हमें काम करवाना था, साफ सफाई करनी थी, और जा रहे हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। एवरीवन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग घर से आ चुके थे, मैंने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे थे, क्यों? क्योंकि मुझे व्लॉग शूट करने का बिल्कुल टाइम नहीं लगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क से आए थे चंडीगढ़, आए थे नहीं है, अभी भी वहीं पर है। यस, प्राशिव भी है मेरे साथ में। प्राशिव ने ड्रेस पहने जो इसके नानू ने गिफ्ट किया जब हम अभी जुबल गए थे। एक मिनट बाद में लूँगी आपको मैं। और हम कहाँ पर रुके हैं, हमारे साथ है वो देखिए पीछे दो मॉडल्स हैं, इनका आज मॉडलिंग शो है तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। रुको मैं मिलाती हूँ। गौरी सिमू से हाय टू एवरीवन। हेलो। गौरी को आपने मेरे बिलासपुर वाले वेडिंग व्लॉग में भी देखा होगा, और सिमू को तो बस पूछिए मैं। तो हम लोग आज जा रहे हैं बाहर, हमने कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ सामान भी लेना है, थोड़ा घूमना फिरना भी है। आज इनकी भी छुट्टी है ऑफिस से दोनों की, तो हम सोचे कि वाई नॉट हम सब लोग घूमते फिरते और थोड़ा सा इंजॉय करते और आप लोगों को भी दिखाते हैं अपना पूरा दिन। चलिए सब लोग निकल रहे हैं बाहर के लिए, घर लॉक कर लिया है। चलिए बैकग्राउंड देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं पहुंच चुकी हूँ गांव। क्यों एकदम चंडीगढ़ से गांव कैसे, मैं बताती हूँ हुआ क्या। हम लोग जिस दिन बाहर गए थे शॉपिंग करने, उस दिन सब कुछ मतलब अच्छे से हमने खाया पिया घूमे बहुत इंजॉय किया राइट। बट उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से जो है हमें जिस काम से हम चंडीगढ़ गए थे थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, तो हमारे जो काम वाले थे भैया इलेक्ट्रिशियन, तो उन्होंने मतलब उनको अचानक आना था, तो इस वजह से हम लोगों को तुरंत नेक्स्ट डे आना पड़ा, जिस वजह से ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी का आपको पता ही है कि फिर घर पहुँच गया। तो हुआ ये कि हमारे थोड़ा सा काम रह गया था, लेट मी शो यू, ये जो लाइट्स एंड ऑल है ना, इसका थोड़ा सा काम रह गया था निचले फ्लोर में करने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत कि हमने क्या क्या किया। तो उसके साथ साथ ही हमने थोड़े से शैंडलेज एंड ऑल ये सब भी लगवा लिए थोड़े से, और जो है हमने हॉल में भी ऑटोमेटिक वाला फ़ैन लगवाया, तो कई सारे काम थे जो रिमेनिंग थे करने के लिए, तो वो सब हमने करवा लिए हैं फाइनली, क्योंकि प्राशिव का बर्थडे आने वाला है एज़ यू नो। तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत सा काम करवा लेते, तो काफ़ी ज़्यादा थकान हो चुकी है। मैं आपको काम भी दिखा देती हूँ क्या क्या हुआ है वो दिखा देती हूँ, और ब्लॉग को कर लेती हूँ यहीं पर एंड। और नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो आपको देखने को मिलेगा बर्थडे प्रेपरेशन का, तो आई होप कि आपको ये व्लॉग भी अच्छा ही लगा होगा एंड नेक्स्ट का भी आप वेट करोगे। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, ठीक है।